करने की अनुमति देता हूं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इस 34वें दीक्षांत समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सम्मान और सौभाग्य है मेरा कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर स्थापित यह विश्वविद्यालय हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 17 नवंबर 1960 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। हम सभी के लिए यह बहुत खुशी और गर्व की बात है कि पिछले साल विश्वविद्यालय को विश्व QS रैंकिंग में 361वां स्थान मिला। यह देश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जिसे यह सम्मान प्राप्त है। विद्युत परिषद की संस्कृति और कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल ने माननीय श्री अजीत कुमार डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत सरकार को विज्ञान वारिजी की मानक उपाधि डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेज कॉजा प्रदान करने का निर्णय लिया है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय हमारे राष्ट्र का एक गौरव का स्तंभ चिन्ह है। इस विश्वविद्यालय ने देश की जो सेवा की है और देश की उस समय में सेवा की है जिस समय हमें जब आज़ादी मिली थी और आज़ादी से कुछ ही साल पहले हमारे देश में अकाल में तकरीबन 4 से 5 मिलियन 40 से 50 लाख लोग मृत्यु का शिकार हुए थे और आज़ादी के बाद भी ये खाद्यान्न की कमी देश के लिए एक बड़ा संकट का विषय थी। आप लोगों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अपने को समझना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी भारत की संप्रभुता भारत की मजबूती भारत की रक्षा और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आयाम है और आप वो सैनिक हैं जो इस काम में लगे हैं और मुझे ये उम्मीद भी है आशा भी है कि ये नई जनरेशन जो हमारे साइंटिस्ट की यहाँ से पढ़ के जा रही है और यहाँ से जो उसके बाद वो रिसर्च करेंगे और इसके बाद जो जनता में जाकर जो प्रसार का कार्य करेंगे उससे वो अपने देश की और अपने भूमि की पूरी पूरी सेवा करने में सक्षम होंगे। मैं दीक्षा देता हूँ, सत्य बोलो, कर्तव्य पालन करो, अध्ययनशील रहो, कर्तव्य से विचलित न होना, उत्थान कार्यों से विचलित न होना, कल्याण कार्य से विचलित न होना, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ उक्त उपाधियों के लिए योग्य पाए गए हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप कृपया इन सभी को उक्त उपाधियों से विभूषित करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ जो बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर तथा बैचलर ऑफ साइंस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी परीक्षा में सफल हुए हैं और उक्त उपाधि के योग्य पाए गए हैं। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ जो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री परीक्षा में सफल हुए हैं और उक्त उपाधि के योग्य पाए गए हैं। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करती हूँ जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी परीक्षा में सफल हुए हैं और उक्त उपाधि के योग्य पाए गए हैं। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करती हूँ जो बैचलर ऑफ साइंस होम साइंस ऑनर्स कम्युनिटी साइंस परीक्षा में सफल हुए हैं और उक्त उपाधि के योग्य पाए गए हैं। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करती हूँ जो बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस परीक्षा में सफल हुए हैं और उक्त उपाधि के योग्य पाए गए हैं।
माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी परीक्षा में सफल हुए हैं और उक्त उपाधि के योग्य पाए गए हैं। उपाधि प्रदान करता हूं और यह दीक्षा देता हूं कि आप सदा अपने जीवन और कार्यों में स्वयं को इसके योग्य सिद्ध करें। जिन्होंने आज पदक हासिल किए, मैं अपनी ओर से और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारक और शुभकामनाएं। इस पुण्य भूमि में एक विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा जहां ना केवल उत्तराखंड के, ना केवल हमारे देश के, बल्कि पूरे विश्व के छात्र पढ़ने आएंगे और पढ़ करके पूरे देश और विदेश में अपना नाम रोशन करेंगे। मैं उन सबों को हृदय से आज पुष्पांजलि देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज हम सब इस जगह पर एकत्रित हो पाए हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, डिग्रियां हासिल कर पा रहे हैं। इस समय जरूरत इस बात की है कि कृषक लाभ लेने से संबंधित बातों को अच्छी तरह समझें, अच्छी लाभकारी खेती करें एवं संगठित ढंग से कृषि उत्पादन को विस्तृत तथा निर्यात करने में अपना योगदान दे सकें। मैं चाहूंगा कि पद्मनगर कृषि विश्वविद्यालय इस विषय पर विचार करें और नवीनतम कृषि के तकनीकी पहलुओं के, जैसे डिजिटल कृषि, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती इत्यादि को पाठ्यक्रम में शामिल करें। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया दीक्षांत भाषण देकर हम सबको अनुग्रहित करें। डिग्री और मेडल लेने आए यहां पर, उनके अंदर में एक अलग ही किस्म का प्राइड, एक उत्साह, एक कॉन्फिडेंस था। My compliments to each one of you. I can see in you that you are beaming with a confidence. You are confident about your own self. आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दृश्यम हमने आज देखा है, ये सचमुच आने वाले भविष्य का एक पिक्चर है, एक ट्रेलर है। मैं हरेक छात्र छात्राओं को, हरेक पेरेंट्स को, माता पिता को, हरेक गुरुजन को हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। जी बी पंत ने हरित रेवोल्यूशन लाई थी, अभी भारत, पूरा विश्व, पूरी मानवता देख रहा है आपकी तरफ में कि किस प्रकार आप नेक्स्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाएंगे। पूरा विश्व देख रहा है कि आप किस प्रकार सीड रेवोल्यूशन लाएंगे। पूरा विश्व देख रहा है कि किस प्रकार एग्रीकल्चर रिलेटेड आप इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लाएंगे, कि वी विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। वी आर इन द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक बदलाव, एक मॉडर्नाइजेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन के टर्न के ऊपर में खड़े हैं। एंड आई एम डेफिनेट अबाउट इट that we are going to achieve it. Shivji ka trishul aur teen baatein. Pehla, know your self worth. Dusra, soch vichar aur dharana. It should be creative, dynamic and productive. Aur teesra hai self discipline. मैं कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं, कृपया दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं।